YouTube channel. How are you all? I hope you are all fine. Class Jamaat Som hai aur unwan hai Harb-e-Fujjar. Okay? मकसद ये है इस चैप्टर को पढ़ने का कि आपको पता चले कि हक की सरबुलंदी के लिए जिहाद की अहमियत कितनी है. ठीक है, आपको ये बात बताना कि हक की जो है सरबुलंदी के लिए जिहाद की अहमियत क्या होती है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग. पेंसिल पकड़ ले हाथ में जल्दी से. ठीक है, सबसे पहले है लफ्ज हर्ब. हर्ब का मतलब होता है जंग. हर्ब का क्या मतलब होता है? जंग. ठीक है, हर्ब का मतलब जंग होता है. इसको आप जो है अंडरलाइन कर लेंगे, आपके क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है. हर्ब का क्या मतलब होता है आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर है हर्ब का मतलब जंग होता है. ठीक है, आगे देखें. इस्लाम से पहले अरब जो अरब लोग हैं मामूली बातों पर एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देते थे. ठीक है, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देते थे और साल हर साल वो लड़ाई चलती रहती थी. ठीक है, यहाँ तक के खानदानों के खानदान तबाह बर्बाद हो जाते थे. ठीक है, ये जो जंगे हैं जो मामूली बातों पर होती थी और ये नस्ली और कबाइली जंगे होती थी. ठीक है, ठीक है. हम जो मुसलमान हैं हमें तो अल्लाह ताला ने सिर्फ जो है ना जंग का हुक्म जो मोमिन को दिया है वो सिर्फ हक की सरबंदी के लिए दिया है. सिर्फ इसलिए दिया है कि अल्लाह का नाम बुलंद हो, अल्लाह के नाम पे हम जंग करते हैं, जिहाद करते हैं. ठीक है, अच्छा. इस तरह एक जंग क्रैश और इनके मुखालफिन के दरमियान हुई. मुखालफिन का मतलब होता है जो लोग जो ये मुखालफिन जो है मुखालिफ की जमा है, जो लोग आपके खिलाफ हों दुश्मन हों उनको मुखालफिन कहते हैं. ठीक है, इस ये जो जंग है कुरैश और इनके मुखालफिन के दरमियान हुई जिसमें कुरैश हक पर थे. कौन हक पर था? हर्ब-ए-फुज्जार में कौन हक पर था? आपका क्वेश्चन नंबर टू है हर्ब-ए-फुज्जार में कौन हक पर था? हर्ब-ए-फुज्जार में कौन हक पर था? कुरैश हक पर थे. कौन? कुरैश. जिसमें कुरैश हक पर थे ये आप जो है अंडरलाइन कर ले जल्दी से. ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है. ठीक है, कौन हक में था? कुरैश हक पर थे. ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र इस वक्त 15 साल थी. कितनी थी? 15 साल थी. ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में बकायदा लड़ाई में तो हिस्सा नहीं लिया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कोई मतलब किसी पर हाथ नहीं उठाया, कोई इस तरह जंग नहीं की. सिर्फ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह शरीक हुए कि अपने चाचाओं को जो है ना तीर उठा कर पकड़ाते रहे. ठीक है, इस जंग में कुरैश को फतह हासिल हुई. इस जंग में कुरैश को फतह हासिल हुई क्योंकि जो है ना कुरैश जो है वो हक पर थे, इसलिए कुरैश को जो है ना फतह हासिल हुई. ठीक है, यहाँ से देखें ये पैराग्राफ हम दोबारा पढ़ते हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र इस वक्त 15 साल थी. 15 को जो है आप जो शेड कर लेंगे आपकी फिलिंदी ब्लैंक में आएगा 15. ठीक है, देखें इस तरह लिखा होगा 15, इसको शेड कर ले. ठीक है, ये आपकी फिलिंदी ब्लैंक में आएगा. आगे देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में बकायदा इस तरह लिखा होगा, इसको शेड कर ले आपकी फिलिंदी ब्लैंक में आएगा. ठीक है, बकायदा लड़ाई तो मैं तो हिस्सा नहीं लिया, अलबत्ता इस तरह शरीक हुए कि अपने चाचाओं को तीर पकड़ाते रहे. क्या पकड़ाते रहे? अपने चाचाओं को तीर पकड़ाते रहे. अपने चाचाओं को क्या पकड़ाते रहे? तीर पकड़ाते रहे. ठीक है, इस जंग में कुरैश को फतह हासिल हुई. इस जंग में किसको फतह हासिल हुई? कुरैश को. किसको फतह हासिल हुई? कुरैश को. ठीक है, फिलिंदी ब्लैंक हाईलाइट कर लिए. क्वेश्चन आंसर जो है वो हमने जो है शेड कर लिए हैं. ठीक है, अब देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर्ब-ए-फुज्जार में डैश हिस्सा नहीं लिया तो क्या आएगा? बकायदा. डैश हिस्सा नहीं लिया क्या आएगा? बकायदा आएगा. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर्ब-ए-फुज्जार में अपने चाचाओं को डैश पकड़ाए. क्या पकड़ाए? तीर. क्या पकड़ाए? तीर. ठीक है, हर्ब-ए-फुज्जार में डैश को फतह हासिल हुई. किसको फतह हासिल हुई? अभी हमने जाना कुरैश को फतह हासिल हुई. ठीक है, किसको फतह हासिल हुई? कुरैश को फतह हासिल हुई. हर्ब-ए-फुज्जार के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या उम्र थी? जल्दी से बताएं, रिकॉल करें इसको. मैंने आपको जो शेयर करवाया है 15 साल. क्या उम्र थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? 15 साल. ठीक है, अच्छा, ये जो जंग थी हर्ब-ए-फुज्जार ये दो मुशरिकीन के कबाइल के दरमियान में थी. ठीक है, इसमें हक और बातिल की मतलब जंग नहीं थी. ये दो मुशरिकीन कबाइल के दरमियान में जंग थी और ये जंग जिस महीने में हुई वो जिन हुरमत के महीनों में हुई जिनमें जंग करना हराम करार दिया गया है ना, इसमें लड़ाई झगड़े से जो है ना बिला वजह कत्ल व गारत से मना फरमाया है. ठीक है, तो ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से था कि इसमें इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बकायदा हिस्सा नहीं लिया ना किसी पे हाथ उठाया कुछ नहीं, सिर्फ जो है ना तीर उठा के जो है ना अपने चाचाओं को पकड़ाते रहे. ठीक है, समझ आ गया आपको इस बात की अच्छे तरीके से. ठीक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो
बचपन में जिसमें आप सलम ने जंग में हिस्सा लिया, ये वो पहली जंग थी। ठीक है, समझ आ गई है आपको जो है ना, फिल इन द ब्लैंक भी समझ आ गई, क्वेश्चन आंसर भी समझ आ गया। मजीद आपकी हेल्प के लिए पीडीएफ फाइल आपको सेंड कर दी जाएगी आपके ग्रुप में। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।